बादशाहें, लाखों कलहू रक्षा रक्षा, अब इन पन्नों की जीनत है। मीरास की खेती का सोना जो इन नस्लों के हाथ लगा, वो उन नस्लों का तोहफा है जो छूट गईं पर जिंदा हैं। तारीख के पन्ने फिर पलटो, फिर याद करो हर कुर्बानी। मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ, मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ। इस सिलसिले की पिछली कड़ियों में कई बार यह जिक्र हो चुका है कि जिन लोगों ने आजादी की जंग में हिस्सा लिया, उसे परवान चढ़ाया, उनकी अपनी जिंदगियां अलग अलग इक्तसादी, सामाजिक या सकाफती माहौल में परवान चढ़ी थी। और शायद यही वजह थी कि इनमें से हर एक ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए अलग अलग रास्ता अपनाया। शायद उनके ख्वाब अलग अलग थे और इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो तरह तरह की कुर्बानियां देने को तैयार थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनकी जिंदगियां हिंदुस्तान से बाहर गुजरी थी, जिन्होंने बाहर तालीम हासिल की थी, और इन लोगों में से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने दुनिया की सियासी सरगर्मियों को देखा था, जो समझते थे कि अलग अलग मुल्कों में सियासी सरगर्मियां ही नहीं बल्कि आज़ादी की जो जंगें चल रही हैं उनमें क्या चीज़ मुख्तलिफ है और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। ये लोग जब हिंदुस्तान लौटे तो उन्हें मालूम था कि दुनिया से सबक लेकर वो हिंदुस्तान की आज़ादी को एक शक्ल दे सकते हैं। और इन्हीं जाबाजों मुजाहिदों में से एक थे मौलाना मजहरुल हक। मौलाना ने सिर्फ आज़ादी की तहरीक में ही हिस्सा नहीं लिया, वो सिर्फ आज़ादी के लिए ही सरगर्म नहीं थे बल्कि कौमी यकजहती के लिए भी उन्होंने तुंदही से अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा है। मौलाना मजहरुल हक 22 दिसंबर 1866 को पटना जिले के बहपुरा गांव में शेख अहमदुल्ला के घर पैदा हुए। शेख अहमदुल्ला नील की खेती करने वाले एक मुतवस्सित किस्म के जमींदार थे। मजहरुल हक की शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई। मौलाना सैयद हुसैन उन्हें घर पर अरबी और फारसी पढ़ाने आते थे। 1871 में उन्होंने मिडिल स्कूल का इम्तहान पास कर लिया और उसके बाद पटना कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला ले लिया। इस दौरान उनका दिल पढ़ाई से उचट गया और वो घर से भाग गए। कई साल खाना बदोश फकीरों के साथ घूमते रहे और उन्हीं के साथ मशरकी बंगाल की तरफ भी निकल गए। घर वालों ने इकलौते बेटे को तलाश करने की बड़ी कोशिशें की लेकिन कामयाबी हाथ न आई। कुछ साल बाद जिस तरह वो अचानक गायब हुए थे वैसे ही अचानक घर लौट आए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। 1886 में 20 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तहान पास किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए पहले पटना कॉलेज और फिर कैनिंग कॉलेज लखनऊ आ गए। मई 1887 में वो बहपुरा वापस लौट आए। हसन मियां, आपके अब्बू याद फरमा रहे हैं। सलाम अलैकुम अब्बू। वालेकुम सलाम अजर मियां, आओ बैठो। कैसे हो जी? आपकी दुआ है। तो फिर क्या सोचा आगे तालीम के बारे में? जी अब्बू, मैं सोच रहा था कि कानून की पढ़ाई तो मैं हिंदुस्तान में भी रहकर कर सकता हूँ। हाँ बरखुदार, आपने दुरुस्त फरमाया, मगर आप पढ़ाई में होशियार है और विलायत में आपके तालीम का खर्चा हम उठा सकते हैं। अहम बात यह है, अगर आप बरतानिया जाके पढ़ेंगे तो कानून और हुकूमत के नजरिए
दोनों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएंगे। आप जानते हैं कि आपसे हम नौकरी करवाना नहीं चाहते। जी अब्बू, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं मुल्क को आजाद करवाने की जंग में शामिल होना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे यही रहना चाहिए। हाँ बरखुदार, आपने दुरुस्त फरमाया, मगर जंग लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत होती है और अंग्रेज इतने चालाक है, उनसे लड़ने के लिए दिमागी हथियार का मजबूत होना जरूरी है। जी लेकिन अच्छा ठीक है, एक दो रोज इस मसले पर गौर करें, फिर फैसला करेंगे। जी। मौलाना मजहरुल हक के घर का माहौल वतन परस्ती और रोशन ख्याली में रचा बसा हुआ था। उनके वालिद का नाम था अहमदुल्ला। शेख अहमदुल्ला के कहने के ऊपर ही मौलाना सितंबर 1888 में लंदन चले गए। जून 1891 तक वो वहाँ कानून की तालीम हासिल करते रहे। वो लंदन में ही थे कि ख़ानदान की माली हालत बिगड़ने लगी। बिगड़ती हुई हालत का ख्याल उनको ज़रूरत से ज़्यादा था। लंदन में वो पैसा और अपना वक्त बेहद सोच समझ कर खर्च किया करते थे। ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजरता था। उन दिनों मोहम्मद अली जिन्ना भी लंदन में थे, मजहरुल हक के दोस्त थे और उन्हें किताबी कीड़ा कहा करते थे। जल्दी मजहरुल हक हिंदुस्तान लौट आए, पटना में कयाम पजीर हुए और यहाँ जुडिशियल ऑफिसर का काम शुरू किया। मगर उनका मकसद हयात तो कुछ और ही था। 1896 में वो इस्तीफा देकर छपरा आ गए और छपरा में वकालत शुरू की। जल्दी ही वो समाजी इस्लाह के कामों में लग गए और छपरा का हर शख्स हर फर्द उनके काम और उनके नाम से वाकिफ हो गया। छपरा म्यूनिसिपैलिटी के हालात बेहद बुरे बदतर थे। वहाँ इंतखाबात हुए। लोगों के इसरार पर मजहरुल हक साहब ने नायब सदर का इलेक्शन लड़ा। वो हरदिल अजीज इतने थे कि उनके सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत ही ना हुई। वो नायब सदर चुन लिए गए। एक मुख्तसर सी मुद्दत में उन्होंने छपरा म्यूनिसिपैलिटी की हालत बदल कर रख दी। इस दौरान घर वालों के इसरार पर उनकी शादी गौसिया बेगम से कर दी गई, मगर वो बहुत ज़्यादा दिन जिंदा ना रही। उनकी दूसरी शादी 1902 में किश्वर जहाँ से हुई, जिन्होंने दो बेटों हसन और हुसैन को जन्म दिया। इस दौरान मजहरुल हक लगातार छपरा में वकालत करते रहे। यही वो दौर था जब हिंदुस्तान करवट ले रहा था और करवट लेता हुआ हिंदुस्तान लगातार मजहरुल हक को आवाज़ दे रहा था। मजहरुल हक सन 1903 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बन गए। 1905 में वो छपरा से पटना मुंतकिल हुए और अगले ही साल 1906 में उन्हें बिहार कांग्रेस कमेटी का नायब सदर चुन लिया गया। बिहार में कांग्रेस के लिए उन्होंने शुरू से ही खूब काम किया। 1909 में उन्होंने मोरले मिंटो रिफॉर्म के खिलाफ आवाज उठाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों के साथ साथ काफी मुसलमान भी उनसे नाराज हो गए। मगर मजहरुल हक ने फिक्र ना की। वो जानते थे कि ये रिफॉर्म हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए है और जल्द या बदेर वो हिंदुस्तानी जो उनसे नाखुश थे इस बात को समझ जाएंगे, और इसीलिए वो लगातार मोरले मिंटो रिफॉर्म के खिलाफ लड़ते रहे। बस यही है कि नमस्ते जी, धन्यवाद। क्या बात है गोखले साहब, किस बात पे इतना खुश हो रहे हैं? किसका खत है? हमारे दोस्त मौलाना मजहरुल हक का। बहुत वतन परस्त हैं। पर हमने सुना है 1909 के रिफॉर्म पे वो अभी तक राजी नहीं हुए, काफी वक्त ले लिया उन्होंने। लेना भी चाहिए, यही खास बात है मौलाना साहब की, वो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेते। अभी बहस की तैयारी कर रहे होंगे, आते ही पहले इस मौजू पर बहस करेंगे, फिर उसके बाद अपनी राय देंगे।
गोपाल जी, पर इस रिफॉर्म में वॉइस राय के कंट्रोल के ऊपर मुझे सख्त एतराज है। इस पर आप और गांधी जी कैसे राजी हो सकते हैं? मौलाना साहब, इतनी आसानी से अंग्रेज हमारी हर शर्त नहीं मानेगा। ये बात मानना हमारी मजबूरी थी, और वैसे भी वो हमारी बहुत सी बातें मान चुके हैं। हाँ, पर गोपाल जी, अगर हम थोड़ा सा जोर और डालें तो वॉइस राय की दखल अंदाजी को महदूद किया जा सकता है, और इसके लिए हमें बाकी मेम्बरान से भी बात करनी चाहिए। 1912 में उन्हें कांग्रेस के बांकीपुर इजलास की इस्तकबालिया कमेटी का सदर बनाया गया। बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का पहले पहल इनेकाद करवाने का सिहरा तो मजहरुल हक के सर जाता ही है। उन्होंने ही सबसे पहले ये मांग भी उठाई कि बिहार के लिए अलग कानून साज और एग्जीक्यूटिव काउंसिल कायम की जाए, और बिहार के लिए एक अलग हाईकोर्ट और यूनिवर्सिटी भी कायम की जाए। सन 1913 में कानपुर मजिस्ट्रेट के हुक्म पर सड़क चौड़ी करने के लिए एक मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया। बात तूल पकड़ गई। मस्जिद को हुए नुकसान के खिलाफ निकाले गए जुलूस और पुलिस में पथराव हुआ। पुलिस ने गोली चलाई और जुलूस में शामिल लोगों में से 20 से ज्यादा की मौत हुई। मस्जिद के एक हिस्से को तोड़े जाने का मामला एक बड़ा केस बन गया। केस की पैरवी मजहरुल हक ने बड़ी कामयाबी के साथ की और वो मुल्क भर में मशहूर हो गए। जाहिर है अब वो अंग्रेजों की नजरों में खटकने लगे थे। 2-3 बरस का वक्त भी नहीं गुजरा था कि चंपारण के किसानों ने जमींदारों और नील के ठेकेदारों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी। मजहरुल हक शुरुआती दौर से ही तहरीक में शामिल हो गए थे, और इसी शमूलियत की बिना पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 महीने कैद की सजा भी हुई। सुन, 13 में कान 12 या 13 में कानपुर में एक मस्जिद शहीद की गई। जेम्स मेस्टन गवर्नर थे, तो मजहरुल हक उन लोगों में थे कि जिन्होंने उसके खिलाफ तहरीक चलाई कि मजलूमीन की पूरी मदद की जाए। चुनाचे कुछ ना कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जुल्म हुआ था उसकी तलाफी करने की कोशिश की, तो इसमें मजहरुल हक को बहुत बड़ा दखल था। और वो कांग्रेस में भी बहुत एक्टिव रहे, कांग्रेस के उन लीडरों में थे जो चाहते थे कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिले, या आज़ादी नहीं तो कम से कम बहुत ज़्यादा सियासी हकूक़ और मलाआत मिले। और आखिर में तो बिल्कुल गोशा नशीन हो गए थे दरवेश, और सारी दुनिया तर कर दी, तो इसीलिए लोग उन्हें मौलाना कहने लगे, वरना वो तो असलन बहुत कामयाब वकील थे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, हालात काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। आज आप जैसे मुहिबुल वतन रहनुमाओं की ज़रूरत है, आपको बाहर होना चाहिए। अब देखिए, बरतानिया हुकूमत कब रिहा करती है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है मौलवी साहब। मुसलमानों के हक की बातें बहुत ज़ोर से उठने लगी, हमें उनका साथ देना चाहिए। और बिहार में ही नहीं, पूरे मुल्क भर में आपसे बेहतर इंसान कौन हो सकता है जो हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। हाँ, कुछ मजहबी ताकतें हैं जो इस मुल्क को बांटने की कोशिश कर रही हैं, हमें मिलकर उन्हें रोकना होगा। हर मजहब और फिरके का बराबर हक है इस मुल्क और इसकी सियासत पर। किसी भी फिरके के हकूक को दरकिनार किया तुम कभी जमहूरी निज़ाम कायम नहीं कर पाएंगे। जेल से रिहा होने के बाद मौलाना पूरी तरह खिलाफत तहरीक में जुट गए। बिहार में उन्होंने इस तहरीक की सरपरस्ती तो की ही, साथ ही लोगों को मुनज़्ज़म भी किया। उन्हीं की काविशों का नतीजा था कि मुसलमान जोक दर जोक खिलाफत तहरीक में शामिल होते गए। मौलाना ने हिजरत कमेटी बनाई और शाह मुहीउद्दीन को उसका सदर चुना। उन्हीं की काविशों का नतीजा था कि कलकत्ता की हिजरत कॉन्फ्रेंस में बिहार के उलेमा बड़ी तादाद में शामिल हुए। उन्होंने मुस्लिम लीग की शुरुआती कॉन्फ्रेंसेस में भी हिस्सा लिया। मौलाना ने मुस्लिम लीग के 1915 के इजलास में सदारत की। ये एक ख़ास जलसा था। इसके बाद लखनऊ इजलास तक आते आते मौलाना ने कई मशहूर तजावीज़
तरक्की पसंद नजरिए पर मबनी इजलास के सामने पेश की। गैर मुल्की सामान का इस्तेमाल बंद करने की तहरीक तर्क मवालात और अंग्रेजी सरकार का साथ न देने की तहरीक अदम तआवुन के शुरू होने से पहले ही उन्होंने जिंदगी की सभी सहूलियात से किनारा कर लिया था और एक फकीर किसी जिंदगी जीने लगे थे। इस दौरान मौलाना ने बिहार और यूपी के बहुत से गांवों का दौरा किया। उन्होंने बिहार विद्यापीठ कायम करने में पहलकदमी की और सदाकत आश्रम कायम करने के लिए अपनी निजी मिल्कियत में से 16 बीघा जमीन दी। देखिए, नॉन कोऑपरेशन के कई एजेंडा था। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम उसमें एक एजेंडा था। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के अंदर खादी एक इशू था। खादी यूज़ करो, खादी का प्रचार करो, खादी का प्रोडक्शन ज़्यादा करो, और खादी की बात यदि सफल होगी तो ब्रिटिश बायकॉट जो है क्लॉथ्स का, उस पर अच्छा असर पड़ेगा, और जो ब्रिटिश पॉलिसी है उस पर अच्छा असर पड़ेगा। उसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता का विषय था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के अंदर। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोग्राम था, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस संदर्भ में सदाकत आश्रम की स्थापना, और सदाकत आश्रम में जो ज़मीन है वो हक साहब ने अपना कंट्रीब्यूट किया। बहुत बड़ा एरिया है सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम नॉन कोऑपरेशन का बहुत बड़ा सेंटर रहा पटना में, और वहाँ जितने काम हुए नॉन कोऑपरेशन के एजेंडे के हिसाब से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिजोल्यूशन के प्रोग्राम के रिजोल्यूशन से, वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। बिहार विद्यापीठ की स्थापना उसी सदाकत आश्रम में हुई, जिसके ये चांसलर, परहैप्स मैं सही कह रहा हूँ, तो चांसलर थे, और काफ़ी विद्वान लोग इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी में थे, फैकल्टी में थे, और सदाकत आश्रम बहुत काम किया। फिरका वाराना फसादात से मुतासर इलाकों में खुद गए, वहाँ दोनों फिरके के लोगों से मिले और लगातार कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम एकता में दरार न पड़े। मौलाना आज़ादी के आंदोलन की कमजोरी बखूबी समझते थे। वो जानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता ही इस मुल्क की आज़ादी और इत्तेहाद की जमानत है, और इसीलिए वो महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले के इतने करीब थे। लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी दिल्ली में, एक ही थी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसके दोनों ही सदस्य हुआ करते थे। उसके अलावा भी बहुत लोग थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, काफ़ी लोग थे सदस्य, तो बहुत हारमोनियसली वे एक दूसरे से मिला करते थे। और जैसे कितने एक्ट बने हैं, उन जितने एक्ट पास हुए हैं उस एक्ट के आर्गुमेंट में दोनों का बहुत ही अच्छा सामंजस्य था, मिलते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले को ये काफ़ी मैंने अपने अच्छे कलीग्स के रूप में और आइडियल कलीग्स के रूप में देखते थे हक साहब। मौलाना मजहरुल हक हर मसले का हल तराश करने के लिए मंतिक का सहारा लेते थे। किसी भी बात को आंख मूंद कर मान लेना उनकी सरिश्त में शामिल नहीं था, और इसीलिए गांधी जी जैसे रहनुमा भी उनकी बात को बहुत गौर से सुना करते थे। मौलाना ने अपनी बातों को अवाम तक पहुंचाने के लिए एक हफ्तेवार अखबार भी शाया करना शुरू किया। इस अखबार का नाम था द मदरलैंड। इस अखबार में उन्होंने अदम तआवुन की तहरीक की ज़बरदस्त हिमायत की। मौलाना ने अपनी मैगजीन में बार बार हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मसला उठाया, दुनिया भर के मुसलमानों को मुत्तहिद किया आज़ादी की जंग के लिए, और इस मकसद के लिए उन्होंने अली बंधुओं, मौलाना हजरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम के साथ मिलकर काम किया। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बिना मुल्क को आज़ाद नहीं कराया जा सकता।
यही वजह थी कि उन्होंने अपने बहपुरा के घर में एक मदरसा और एक स्कूल कायम किया जहां हिंदू और मुसलमान दोनों मजहबों के बच्चे पढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलाम मौलाना साहब, आइए आइए, तशरीफ रखिए। आइए मौलाना साहब, आपका रिसाला अब हिंदुस्तान के कोने कोने के मुसलमानों तक पहुंच रहा है। सिर्फ मुसलमानों तक नहीं पहुंच रहा है, सभी मजहब के लोगों तक पहुंच रहा है साहब। मौलाना साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमारी आवाज़ सभी तक पहुंचनी भी चाहिए। आखिर दुनिया को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप, जंग आज़ादी कोई सिर्फ एक कौम नहीं लड़ा करती, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिंदुस्तानी लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई नहीं। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि मजहबी दरार के बढ़ने के नतीजे कितने खतरनाक होंगे। पर आप खुद तो मुल्क की सियासत में मुसलमानों के हिस्सेदारी की पैरवी करते रहे हैं। हाँ, हिस्सेदारी की पैरवी आज भी करता हूँ, दावेदारी की नहीं। सब मजहब के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, फिर आप इसको एक मजहब की लड़ाई क्यों बना रहे हैं? अगर हम सबको आज़ादी चाहिए तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने मदरलैंड में हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखना शुरू किया और कुछ ऐसे मजामीन भी लिखे जिनकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक दिन उन्होंने पब्लिक सर्विस से रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद भी वो सरगर्म तो रहे, लेकिन सिर्फ तकरीरों और मजामीन के जरिए। उन्होंने इस दौरान अलग अलग जगह जाकर नौजवानों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार किया। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि वो कांग्रेस में पहले की तरह सरगर्म रहें और गुवाहाटी इजलास की सदारत करें, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद के बार बार इसरार पर भी तैयार न हुए। रिटायरमेंट के बाद वो सिवान जिले के फरीदपुर गांव में रहते थे जहां वो बच्चों को पढ़ाते रहे। यहाँ उनसे मिलने और सलाह लेने मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, के एफ नरीमन वगैरह आते रहते थे। मौलाना मजहरुल हक ने अपनी पूरी जिंदगी आजादी की जद्दोजहद में गुजार दी। वो एक बेहद पुर आराम जिंदगी गुजार सकते थे, मगर उन्होंने जो रविश तैयार की, उस रविश पर चलकर सीधी सादी जद्दोजहद से भरपूर जिंदगी गुजारी और जनवरी 1930 में उनका इंतकाल हुआ। आज़ादी के इस दीवाने ने आज़ाद हिंदुस्तान की शक्ल नहीं देखी, उससे पहले ही आंखें मूंद कर सो गया। मौलाना मजहरुल हक बड़े बहुत दिलचस्प आदमी हैं, और अफसोस की बात है कि उनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, और आज़ादी की जंग आज़ादी में उनका नाम जो है वो भर कर नहीं आता, हालांकि आना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस ज़माने में नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उस ज़माने में मुसलमानों में दो कैंप्स थे। एक तो वो कैंप था जो सर सैयद का जो मार्गदर्शन था उस पर चलना चाहता था, और एक वो कैंप था, एक वो ग्रुप था जो समझता था कि सर सैयद की जो सियासत है वो नाकामयाब हो गई है और अब मुसलमानों को उससे हट करके कांग्रेस के साथ अलायंस बना करके अपनी सियासत को चलाना चाहिए। और इसमें बहुत से लोग थे, यूपी के बहुत से लोग थे, लेकिन बिहार में जो मुमताज़ शख्सियत थी जो इस लाइन को बहुत तेज़ी के साथ और बहुत ज़ोर शोर के साथ आगे बढ़ा रहे थे, वो मौलाना मजहरुल हक थे। चंपारण में तो गांधी जी आए पटना, तो मजहरुल हक साहब के बारे में इनसे राजेंद्र बाबू से मिलना चाहते थे। राजेंद्र बाबू पूरी चले गए थे किसी काम से, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं था कि गांधी जी आएंगे लखनऊ से तो फिर पटना आ रहे हैं। तो ऐसी हालत में वो मजहरुल हक के आचार्य कृपलानी उनको जब रिसीव करने गए तो मजहरुल हक के घर पर ही वो ठहरे।
और उनके वो गेस्ट बने।